ओके जो बहु चर्चित क्वेश्चन मु बहुत थर पिला एग्जाम रे देली फिर भी पिला डिमांड सार आप ये सिलेबस ना आप कौन दौरान किंतु मु भाई मानवा पिला नुह मु सब चाहे जे जी सिलेबस दि जाइए ना जी सिलेबस दि जाइए आम एक्स्ट्रा कवर कर पिला मैंने तुम मर मन थी मुझे गोटे कहानी कही जिते तुम मैंने मो पाखक आसी पढ़ापी सर से कहानी आम मन ना आम एग्जाम प्रेसर भूली जाइए कहानी कौन थी आमर थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना शुणी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए वेरी गुड राजेंद्र सी आम अरे बड़ पार्टी आंसर दियो ना किए अरे बड़ पार्टी आंसर दियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे अरे भाई हमर प्रेसिडेंट थे शिक्षा मंत्री भाई रे सी हमर प्रेसिडेंट थे ओके भारत रा प्रेसिडेंट थे ओके सुनो एग्जाम रे हमको क्वेश्चन पचारे आंसर एनी फोर आउट ऑफ सिक्स तुमको छा क्वेश्चन दि जाइए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंस्ट्रक्शन कौन अच्छी जेकोसी चार क्वेश्चन आंसर दियो तुम्हें एक तीन चार पाँच आमको जेकोसी चार क्वेश्चन आंसर देवाक अच्छे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एमती जन स्टूडेंट थे सी कहते तुमको वेरीफाई कर वेरीफाई एनी फोर आंसर आउट ऑफ सिक्स आंसर ता माने कौन जान मु छा क्वेश्चन छटा आंसर लिखिदेली एग्जामिनर को जो चार क्वेश्चन भल लगुच सी से कौन आंसर को भी वेरीफाई करू एवं आमको मार्किंग करू अरे बुझी पार्छ कि बुझी पार सब जो मैंने सक्सेस पीपुल दे आर नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग दे आर डूइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट मैनर से मैंने किसी अलग करती बट से ही काम को अलग वे रे करती बुझी हूँ यस तो से ही भाव आमर गोटे चैप्टर अच्छी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तुमको आगे कौच ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भितर फरक कौन ऑर्गेनाइजेशन पिला माने जानिछ ट्रेडिंग माने किणीबा आ बिकिबा जेउ ऑर्गेनाइजेशन किणी की बिके ताकु कुहा जाए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सर आपण हमको कहिथिले बाय करी की सेल करिवार एक्टिविटी को ट्रेड कुहा जाए यानी बिजनेस कुहा जाए यस जेउ माने बिजनेस करंती किणी की बिकंती दे हैव प्रॉफिट मोटिव से मानकर उद्देश्य कोन थाए प्रॉफिट मोटिव सेतिपई से माने कौन करती तुम मानक फाइनल अकाउंट रे पढ़ा जाइछि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती बुझी हो कि बुझी हो ऑन द अदर हैंड सेकेंड वन इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज इट मीन नॉन ट्रेडिंग माने जो ऑर्गेनाइजेशन माने ट्रेड करिवार उद्देश्य न थाए जो ऑर्गेनाइजेशन रो ट्रेड करिवार उद्देश्य न थाए यानी प्रॉफिट करिवार उद्देश्य न थाए से माने होउछन्ती नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट से माने किछि रेवेन्यू जनरेट करंती नो डाउट से माने किछि पैसा कलेक्शन करंती बट ऑब्जेक्ट होउछि टू प्रोवाइड सर्विस ऑब्जेक्ट होउछि कोन करिया पई टू प्रोवाइड सर्विस तुम मैंने जानले आश्चर्य हम आम गोटे कंपनीज आक्ट अच्छी कंपनीज आक्ट रे गोटे कहा जाए सेक्शन 8 कंपनी कंपनी आक्ट 2013 रे गोटे अच्छे सेक्शन 28 कंपनी किंतु आमर जो पुराणा कंपनी आक्ट थला 1956 सेथिरे सेक्शन 25 कंपनी बोली कहा जाए यही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जदि लार्ज वॉल्यूम रे किसी बिजनेस करती बिजनेस मीन्स बिजनेस वर्ड एटी प्रॉपर हबनी जदि लार्ज वॉल्यूम रे ऑपरेट करुचंती ताहाले तांको कौन करिया को पड़िबो रजिस्टर करिया को पड़ुथिला पुरुणा आक्ट रे सेक्शन 25 रे किंतु न्यू आक्ट रे सेक्शन 8 रे आमको कौन करिया को पड़िबो रजिस्टर करिबा को पड़िबो हेंस पुरुणा आक्ट रो किछि आवश्यकता नाही बुझी होउछ जदि आम एग्जाम्पल नवा सर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन गोटे एग्जाम्पल दिया जाऊ
ତମ ନଜରରେ ଏମିତି କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କ୍ଲବ୍, ହାଲାକି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ କ୍ଲବ୍ର ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ନନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ କ୍ଲବ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ କରିବେ, ଭସାଣି କରିବେ ଏବଂ ଢକ୍ଲମ୍ ନେବେ, ଚାର ବୋତଲ ଭୋଡ଼କା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ବାସ୍ ଆଜିର ଆଜିର କ୍ଲବ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେୟା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଜେନେରାଲି କ୍ଲବ୍ର ଯାହା ବି ଥିଲା ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅଲଗା। ତମେ ମନ୍ଦିର କୁହ, ମସଜିଦ୍ କୁହ, ଗିର୍ଜା କୁହ, ଯାହା ବି କୁହ, ବହୁତ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମସଜିଦ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ରିଲିଜିଅନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷର ଆୱାରନେସ୍ ଆଣିବା, ବା କୌଣସି ମନେକର ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଲା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ମାନେ ମାଗଣାରେ କିଛି ଏମିତି ବି ଆଜି ଆଜିର ସମାଜରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର, ସବୁ ଡକ୍ଟର ତ ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଫିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କ'ଣ କହିବା ନନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଫର୍ ଆ ନନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍? ୟେସ୍, ୟେସ୍, ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍। କାହିଁକି ନା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମନେକର ଆମେ କିଛି ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ସରି, ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛେ, ସେଠି କିଛି ଡକ୍ଟର ଆସିବେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ, ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଆମକୁ କିଛି ମେସିନାରୀ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବା ଗୋଟେ ଆମକୁ କ'ଣ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ପଇସା ଆମେ ଡୋନେସନ୍ ନେଉଛେ, ଫିର୍ ବି ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛେ, ତ ଏଭଳିଆ ପଇସା ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛେ, ପଇସା ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା, ଫିର୍ ବି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ନନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଏ? ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରୋଫମା କାଟିବି ତଳକୁ ଲେଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆକାଉଣ୍ଟ। କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ? ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏହାର ବି ପ୍ରୋଫମା କାଟିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍। ସାର୍, ରିସିପ୍ଟ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭାଇ, ନା କହୁଛି ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ, ନା କହୁଛି ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିବା, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆମେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ୟାସ୍ ରିସିଭ୍, କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା, ତାକୁ କହିବା ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସାର୍, ଏହାର ପ୍ରୋଫମା କେମିତି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଫମା ଅଫ୍ ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସାର୍, ଡେଟ୍ ଲେଖିବୁ? ୟେସ୍, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଡେଟ୍ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡେବିଟ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍, ଡେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମାଉଣ୍ଟ, ଡେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମାଉଣ୍ଟ। ଆରେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ପର୍ଟିକୁଲାର, ସରି, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିସିପ୍ଟ ସେଟ୍, ଏଇଟା ରିସିପ୍ଟ ସେଟ୍, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ମୁଁ ଫ୍ଲୋ ଫ୍ଲୋରେ ଭୁଲ କହିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କାଟିବାର ଥିଲା, କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କାଟିବାର ଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିସିପ୍ଟ ସେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ସେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିସିପ୍ଟ ସେଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ସେଟ୍, ଓକେ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା, ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିଲୁ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିଲୁ, ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ ସାଇଡ୍, ଡେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମାଉଣ୍ଟ, ଡେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମାଉଣ୍ଟ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ କରୁ? ଅଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ରିସିପ୍ଟ, ଯାହା ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ରିସିଭ୍ କରୁ ତାହା ଡେବିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଲେଖାଯାଏ। କ୍ରେଡିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଅଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ର ଡେବିଟ୍ ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରିସିପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟର ଡେବିଟ୍ ସାଇଜ୍ ବା ରିସିପ୍ଟ ସାଇଡ୍। ବୁଝି ହେଉଛି? ଆରେ, ବୁଝି ହେଉଛି ନା ବୁଝି ହେଉନି? ରିସିପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇବାର ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ରିସିପ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇବାର ଏୟା ଯେ ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ପିରିୟଡ଼, କ'ଣ କହିଲି,
ड्यूरींग ए पीरियड आम के क्या रिसीव कले हाउ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी बा हाउ मच वी क्या रिसीव के क्या रिसीव कले केते आमे क्या पेड कले को हेड रे पेमेंट कले एवं ईयर एंड रे आम पाखे बालान्स केते अच्छी ईयर एंड रे आम पाखे कौन अच्छी ना बालान्स केते अच्छी दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बुझीगला आम के क्या रिसीव कले केते क्या पे कले एवं वर्ष शेष आम पाखे केलान्स अच्छी दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बुझीगला इंटरेस्टिंगली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हूँ रियल अकाउंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जाम एमसीक्यू आसो इट इज द नेचर ऑफ रियल अकाउंट ओके ए पर्यंत जो भी कष्ट लगे मतलब कहीदेव मुझे नॉन ट्रेडिंग स्टॉप कर देवी ओके यस दिस इज द नेचर ऑफ रियल अकाउंट तापर पलै आसीबा बहु चर्चित इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मु प्रथम कथा कहबी दिस इज द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट को अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ए अकाउंट रो दीटा साइड अछि केतरा साइड अछि दीटा साइड अछि गुटी होची डेबिट साइड आ गुटे होची क्रेडिट साइड डेबिट साइड को हमें कहि थाउ एक्सपेंडिचर साइड को साइड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड को हमें कहि थाउ इनकम साइड को साइड इनकम साइड तीन नंबर पॉइंट जदि डेबिट एक्सीड करूची क्रेडिट को ता माने कौन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर एक्सीड करूची इनकम को कहिलो मोर लाभ हबो ना लॉस हबो खर्च अधिका लाभ आय कम ताले लॉस हबो ओबियसली एठी कुआ जाए डेफिसिट एठी कौन कुआ जाए डेफिसिट एठी कौन कुआ जाए डेफिसिट चारि नंबर पॉइंट रे जदि क्रेडिट एक्सीड करिवो डेबिट की ता माने कौन इनकम एक्सीड करूची एक्सपेंडिचर को आकु कौन कुआ जाए जानिछ सरप्लस सरप्लस आकु कौन कुआ जाए जानिछ सरप्लस बोली कुआ जाए पांच नंबर पॉइंट जदि आमे आलोचना करिबा एक्सपेंडिचर साइड रे को साइड रे एक्सपेंडिचर साइड रे ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकॉर्ड करा जाए को एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकॉर्ड करा जाए ना बुझीला जदि आमे छ नंबर पॉइंट को जीवा इनकम साइड रे कौन रेकॉर्ड करा जाए जानिछ ऑल नेचर ऑफ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू रिसीव्ड आमे रेकॉर्ड करू ए पर्यंत क्लियर आज्ञा अरे ए पर्यंत क्लियर कि नाही यस सर सर एहार एहा देखिया को केमितिया एहा देखिया को पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट भलिया एहा देखा देखिबा को पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट परिका सर थरे आमे तहार दर्शन दियंतु यस दिस इज द प्रोफॉर्मा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मु तुमको कहितली एहा देखिबा को ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भलिया मते कुह ठीक हैला कि नाही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एहा होची डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट अरे मने पड़ चुकी नहीं आज्ञा सर यस आज्ञा सर तमे माने मने पकाओ आमे लेखुतिले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मने पड़ुछि प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March बा 31st December जहाँ भी थी वो 31st March 2022 एंती लिखूं थी सिमिलरली लिखा जी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 बुझिए ला तुमको पचार इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आउ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट भीतर फरक कौन एग्जाम रे जदि पचार यह पचार अधिका कष्ट क्वेश्चन जे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट भीतर फरक कौन किए कहीपर प्रथम फरक हूँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किए तैयारी करे कौना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मत कह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को किए प्रिपेयर करे नॉन ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किए प्रिपेयर करिवो मैनिफेस्टिंग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन करिवो
प्रथम पॉइंट यस। अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रो डेबिट साइड को कौन कहते एक्सपेंडिचर साइड, एटी पीएल अकाउंट रे कौन कहा जाए डेबिट साइड, डेबिट साइड के माने डेबिट साइड भी सही डेबिट साइड कहा जाए ना बुझी गेला आई गेस सर डेबिट साइड रे एठी कौन रिकॉर्ड करा जाए ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एठी भी डेबिट साइड रे कौन रिकॉर्ड करा जाए रेवेन्यू ए सॉरी हां रेवेन्यू एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ना हां आई गेस सर। एठी क्रेडिट साइड को कहा जाए इनकम साइड ए हां इनकम साइड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रे क्रेडिट साइड रे कौन रिकॉर्ड करा जाए ना सही इनकम को रिकॉर्ड करा जाए। ताहले फरक कोड आसुची फरक एटी आसुची जदि डेबिट एक्सीड करूची क्रेडिट की डेबिट एक्सीड करूची क्रेडिट की ताहले ताकु कहा जाए डेफिसिट कहुना हो किंतु ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रे जदि डेबिट साइड क्रेडिट साइड को एक्सीड करूची ताकु कहा जाए लॉस नेट लॉस। जदि हम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा क्रेडिट जदि डेबिट को एक्सीड करूची ताकु कहा जाए सरप्लस सरप्लस किंतु एठी कोन कहा जाए क्रेडिट माइनस डेबिट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अरे कौन हो जदि आम आउ गोटे पॉइंट एनालिसिस करिबा मन पकाओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एटा होची दीटा पार्ट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट रु आम ग्रॉस प्रॉफिट पाई थाउ बा ग्रॉस लॉस पाई थाउ, पीएल अकाउंट रु आम नेट प्रॉफिट पाई थाउ या नेट लॉस पाई थाउ, नो सच पार्ट एथिरे दीटा पार्ट नाही सेई गुटी अकाउंट। अरे कौन हो नो टू पार्ट, नो टू पार्ट एथिरे टू पार्ट किछि नाही। अच्छा जदि पिला मानकर मने थिबो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे जदि नेट प्रॉफिट बाहरला ये जाय कि कोथरे ऐड होतिला कैपिटल सहित कैपिटल आ गया सर। जदि नेट लॉस बाहरला ताहले कोठ जाय कि लेस होतिला कैपिटल कैपिटल लेस होतिला हो आ गया सर। जदि एपोटे हम आलोचना करिबा जदि सरप्लस बाहरला कोन बाहरला सरप्लस बाहरला ये जाय कि ऐड होबो कैपिटल फंड सहित कहा सहित कैपिटल फंड सहित काहे कि ना गुटे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रे कैपिटल फंड थाए तो माने जानिले खुशी हबो कि दुख करबो आमे जानिनु बट वी आर ऑपरेटिंग नाउ ए एजुकेशनल एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन देयर एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल कैरियर। जो माने सेमानकर एकेडमिक हो बा प्रोफेशनल कैरियर रे हो किछि एजुकेशन को नहीं कि डिफिकल्टीज फेस करुछंती सेमानक आमे फैसिलिटीज प्रोवाइड करिबा पई हालाकि आमे एबे गोटे नुआ नुआ आरंभ करिछु ट्रस्ट चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट तो माने चाहिले मध्ये देखि परिबो मु आज गोटे ग्रुप रे लिंक शेयर करितली हालाकि ग्रुप रे नुओ मु व्हाट्सएप रे मु व्यक्तिगत भाबे देइतली ता तार ऑब्जेक्ट होउछि तार ऑब्जेक्ट होउछि सब पिला माने सुनी था मु तुमको आज कहिबा को चाहिबी एहार ऑब्जेक्ट होउछि आमे सेतिरे किछि मेंबर रखिबु सेमानकर ऑब्जेक्ट होउछि जेते बेले सेमानकर बर्थडे होबो कुडे होबो बर्थडे होबो और जदि अन्य कोनोसी खुशी मोमेंट होबो मु तुमको कहिबी प्रैक्टिकल कथा तमे भी फील करथिबो गोटिए इयर रे 365 डे जनरली 364 डे तमर जेमिदि कटिबो बर्थडे दिन तुम साधारण तो नॉर्मल स्टेज रे था तुम माइंड पूरा कूल थाए तुम पूरा काम थाओ कूल माने मस्तिष्क ठंडा तुम पूरा शांत थाओ तुमको किए जदि गाली करे भी तुम से दिन किसी कौन दियोनी ना कि रिएक्शन तुम दियोनी पॉजिटिव रे नियो किंतु सही कथा जदि बाकी 364 दिन रे तुमको किए कहे तुम निश्चिंत भाव रिएक्टेड हबो मु मो लाइफ रे फील करछि तमे तमे लाइफ रे केते फील करछ मु जानि आमे सेइंग रॉन्ग ऑन राइट मु भूल कहूछि ना ठीक कहूछि पाखा पाकी ठीक कहूछि जदियो 100% ठीक न हुए मते लागूछि मु मो लाइफ रे एक्सपर्ट माने एक्सपीरियंस करछि तमे भी तमे लाइफ रे एक्सपीरियंस करतबो सेइति पई आमे बर्थडे दिनटा को नोउछु तो जो माने चाहिबे एनी अमाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज वन किंतु मैक्सिमम अमाउंट आम गोटे लिमिट रखीचु जहाँ अधिका डोनेसन आम नबुन कहीं शास्त्र में कहुई जो पैसा बढ़े से लोभ बढ़े जिते मनीषर लोभ बढ़े मनीष से अहंकार आड़क जाए बा माने अन्न काम लिप्त रुए से आम मैक्सिमम लिमिट गोटे सेट करूँ ताठ अधिका अमाउंट आम रिसीव करूँ ना
किंतु मिनिमम टोंका टर हम रिसीव करिवु मैक्सिमम सही टोंका पर्यंत सो दैट काली डेट रे हम के ब्लेम न करू जे आमी जो पर्पस पई फंड रेज करू छु से पर्पस रे न लगे कि हम अन्य जगह रे लगू छु सेति पई हम गुरुत्व दबु ठीक अछि छाड़ो हमर उद्देश्य सेटा न हो हमर उद्देश्य होउछि एया जे आउ कथा मध्ये शास्त्र रे कहा जाय छि जदि तुमर शरीर भलो थिवो जदि तुमर शरीर भलो थिवो ताहले तुम्हें जहाँ खाइब हजम होदी तुम शरीर खराब थी तुम्हें भात डाली खाइले भी तुम ताको हजम कर पार आम आई सींग रईट या रंग रईट ये जदि तुम मस्तिष्क भल थी जदि तुम मानसिक स्थिति भल थी जदि तुम माइंड कूल थी एवं काम थी तुम्हें से बड़े जो जिनसटा पढ़ मन रो कर्मटा कर कर्म भल जीव जो दान दब से दाना भल भल कम सोसाइटर समाज में कम लगिपर यह मुश्वास कै से मुझसे डे को चूज करे बार्थडे दिन जदि जी जहाँ चाहिए सेमती कौन सी लिमिट ना हार्ड एंड फास्ट रूल ना जड़े एति डोनेसन दब ए डोनेसन ये आम मैक्सीम एक पार्टी अधिका नबु किंतु मिनिमम नो स्पेसिफाए आम नबू डोनेसन जी चाहिए डोनेट करें आम कि गोटे सोसाइटी की वार्क करने को जाऊँ छाड़ एत कथा मोर तुमको कह ना कि जेहेतु आम गोटे से भाया चैप्टर भितर पशिजे मुझ तुमको कही कही बहुत इमोशनल कथा कहीदी छाड़ दीज आर आउट ऑफ सिलेबस पुणी पे कम्प्लेन करेंगे सर ये सिलेबस ना आप सिलेबस बाहर के जिनस कौन ओके कहीं तुम मान ऑब्जेक्शन अच्छी से तुमको अधिका कथ कह भी डर लगुच ये जदि एटी डेफिसीट आसा कौन हम जान जदि ये डेफिसीट आसा तो कैपिटल फंड रु लेस कौट लेस कैपिटल फंड रु लेस बुझीगला एतिक डिफरेन्स तुम लिखिपर मु तो सतटा पॉइंट तुमको आलोचना कली आलोचना कले आहरी भी पॉइंट हो पार एक जिनस तुम लिखिपर आज्ञा ट्रेडिंग कष्ट तुमको पचार ह्वाट इज रिसीट पेमेंट अकाउंट तार चारिटा क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख तुम लिखिपर एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय एन एनटीओ एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय एन एनटीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू रेकॉर्ड द ऑल कैश रिसीप्ट एंड टू ऑल कैश पेमेंट टू रेकॉर्ड द ऑल कैश पेमेंट एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो अकाउंट गोटे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओपन करिथाय जो थे केते कैश रिसीव करुची केते कैश पे करुची कौ कौ हेड रे कैश रिसीव होउची कौ कौ हेड रे कैश पे होउची ताकु रेकॉर्ड करिवो एवं ईयर एंड रे आम पाखरे केते बैलेंस अछि ताकु जणेबो ताकु आमे कहिबा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रथम कथा होउची इट इज द नेचर ऑफ रियल अकाउंट डेबिट साइड रे रिसीप्ट लिखा जाए क्रेडिट साइड रे पेमेंट लिखा जाए एतिरे ऑल रिसीप्ट सेटा कैपिटल नेचर हो कि रेवेन्यू नेचर हो रेकॉर्ड करा जाए एतिरे ऑल पेमेंट्स कैपिटल पेमेंट हो कि रेवेन्यू पेमेंट हो सब तक रेकॉर्ड करा जाए अरे बुझीला ना बुझीला ना आज्ञा सर तुमको पचारतबो व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट राइट डाउन द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन लिखिबो एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय एनटीओ जो अकाउंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करे टू नो द सरप्लस और डेफिसीट मो पाखे सरप्लस बालांस अच्छी कि डेफिसीट बालांस अच्छी से प्रकार अकाउंट को आम कही था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज सिमिलर टू द ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न यह क्या सहित सामान ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट सहित सामान फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रथम कथा होला यह होची एक नॉमिनल अकाउंट द्वितीय कथा होला यार दुईटा साइड अच्छी गोटे एक्सपेंडिचर साइड गोटे इनकम साइड डेबिट क्रेडिट को एक्सीड कले आम डेफिसीट कहू क्रेडिट डेबिट को एक्सीड कले आम सरप्लस कहू एक्सपेंडिचर साइड रे ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकॉर्ड करा जाए इनकम साइड रे ऑल रेवेन्यू इनकम रेकॉर्ड करा जाए एवं ए अकाउंट रु जो बैलेंस बाहर यह जाएंगे कैपिटल फंड रे ऐड हबो और कैपिटल फंड रे लेस हबो जदि सरप्लस ताहले ऐड हबो जदि डेफिसिट ताहले लेस पिला माने तमे तुम मन को पचारे कि कहिबो आत्मा को पचारे कि कहिबो इट इज ए डिफिकल्ट चैप्टर इज इट ए डिफिकल्ट चैप्टर इज इट डिफिकल्ट टू रिमाइंड डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द
देन व्हाई आर यू अपोजिंग मी? केही जने कहिछन्ति तुम्हें निज जीवन रे छोटो छोटो जिनस को सुधारी दियो, बड़ जिनस आपे आपे आसीजिव। क्यों जने महापुरुष कहिछन्ति किछि बड़ करिबा दरकार नाही, नो नीड टू बिग थिंग, यू हाव टू कॉन्सेंट्रेट एंड करेक्ट ओनली स्मॉल थिंग्स, देन यू कैंट इमेजिन द रिजल्ट ऑफ रेक्टिफाइंग द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जमा केबे भी लाइफ रे एकाधरे मुझ बड़ कर देवी भावना, बड़ लक्ष्य रख, से बड़ लक्ष्य को हासिल करने छोट छोट स्टेप नियो, एवं तुम जान दिने दिने तुम जाए लक्ष्य पहुँची जाइए। तुम्हें जब भाव गोटाए दिन मुझ पहुँची जी लक्ष्य, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव ही असंभव। समुद्र हवा को आगे बिंदु बिंदु पानी रू समुद्र बनी थाए, बिंदु बिंदु पानी एकत्रित हेले ही समुद्र हुए। छोट छोट जिनस आम जब सुधारी सुधारिक जा निज लाइफ रे, ताहले आम लाइफ गोटे सुंदर सरल एवं मनोरम हो पार, अदरवाइज कांटे ही कांटे। हबो लाइफ रे गोटाए मो पाखे पढ़ी छ, मु बेले बेले बहुत गर्व अनुभव करे जहाँ हूँ पिला मानको मुझे किसी पढ़े पारू, कि बेले बेले भारी दुख अनुभव करे जिते बड़े पिला मान कि एमती रिएक्शन शुणे। किंतु मोर तुम मान को आडवाइस मु अरे तुम लाइफ तुम बचीब, मु कौन करी खाली मु तुम जीवन डंगा रे ना, तुम जो जीवन डंगा अच्छे ना किसी समय पर मुझे कौन हवाक चाहूँगी नाबिक हवाक चाहूँगी कि नाबिक तो कहले भूल हम मैंने तुम से पथर तुमको साहय करने चाहूँ नथिंग एल्स। प्लस टू सर प्लस थ्री सर किए कड़े जीव, किए कौट जब कर, किए म्यारेज कर, किए कौट जाए बिजनेस कर, किए प्रफेसन करते तुम सांगी नो, बट मुझे आम लाइफ में किसी मिस्टेक कर, लाइफ में किसी जिनस पाइबापी लेट कर देचु, सो दैट स्टूडेंट मानक आम कि गाइड करूँ से मैंने पथभ्रष्ट हूँ, सुसंगठित सुशृंखलित सुनियंत्रित निजक करूँ, ताहले जाए मत लगे ना मुझे मो पा कहली मो पा कि शुणिली से मत प्राउड फिल हे ना पा पचे लगी परिश्रम करी जा हौ आज आम पिला ए जगार जाए पहुँची पार आटलिस्ट से गोटे सोसाइटे सुनागरिक पार दैट्स ऑल माय ऑब्जेक्टिव नथिंग एल्स। राजेन्द्र कौच सर टीसीए कौन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यस टीसीए इज ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताल सर आप फीस कहीं कलेक्शन करो नो, आमको एमती किसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने स्मॉल स्मॉल अमाउंट आमको फी कलेक्शन कर पड़े, एमती किसी जगह अच्छे जोटी आम फी भी एक्जेम्पशन करदे एवं नोटिफाई करनी करी तुम कह। ऑब्जेक्ट इज नॉट दैट, ऑब्जेक्ट तुम भितर अवेयरनेस आसु तुम आगे को बढ़ो, जो दिन तुम कह मो जीवन मुझे बचीगली जानव से दिन तुम जीवन सार्थक हो गला। बाकी तो क्यालेंडर डेट थिला, होली आसी जा जन्मदिन आसी जागर आसला गला रज आसब जीव सब क्यालेंडर डेट, मेट्रिक परीक्षार भी क्यालेंडर डेट थिला, प्लस टू भी क्यालेंडर डेट, जो दिन तुमको लगला ना मुझ जीवन में किसी कली मो जीवन बचिली से दिन ही प्रकृत तुम तुम जीवन बचिल, बाकी सब क्यालेंडर भितर डेट आ कि ना बुझी हो। लाइफ इज योर चॉइस इज योर, ओनली आई एम हियर टू गाइड यू, यू मे एक्सेप्ट माय गाइडेंस यू मे नॉट, बट आई विल एवर ट्राई गिव माय बेस्ट टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स। ओके तो यही सुंदर विचार सहित आम आज क्लास को एंड करवा, जदि भल लगला कमेंट देवे, जदि किसी कहार लगुच आम आउ ये सब जिनस केमती बेटर करपर निश्चित भाव में कमेंट देवे, कारण तुम मान भी आम किसी शिखबार अच्छे, तुम मानु ही आमको किसी शिखबार अच्छी, गोटे टीचर से भल टीचर हो पार जदि सी स्टूडेंट हो पारे, यार अर्थ जदि सी स्टूडेंट मान एक्चुअली वांट्स डिजायर नीड्स जहाँ मार्केटिंग आमको पढ़ा जा आईडेंटिफाई करें तो जाए से टीचर इज ए गुड टीचर। तेणुक तुम मान मत बहुत किसी शिखा अच्छी, मो पढ़ा स्टाइल सुधारिवार अच्छी, मुझे कौन रिविजन करी के एग्जाम क्वेश्चन सेंड करी तुम मान बहुत किसी मतलब शिखबार अच्छे, तो सबुबले मु एवरी वीडियो रे मध्य कहूँ तुमको मेसेज भी करुच्ची, तुम फीडबैक दियो सजेसन दियो कौ जगार आम बेटर करूँ कौन कले तुम मैंने बेटर फिल हम से सब जिन निश्चिंत कर,
सो दैट आम भी तुम फ्यूचर जब आम सहित आउ किसी पिला जोड़ी हे आम से बेटर प्रोवाइड करके okay? तो पिकनिक पिकनिक भोजी भोजी व्यस्त हुए परीक्षा सरु आई एम हियर जब तुम जहाँ कह बट कंडीशन इज आम जहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आम करके यस आज ये पुणी देखा हे जब तुम डाउट पचार ओके यस बाय बाय। अरे भाई